जय हिंद डिफेंस लवर्स, आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। इंटरिम बजट की तुलना में भारत के रेगुलर डिफेंस बजट में 400 करोड़ रुपीस की बढ़ोतरी। INS ब्रह्मपुत्र में आग लगने वाले इंसिडेंट में एक सीलर मिसिंग। LOC पर एक बार फिर से घुसपैठ की कोशिश को आर्मी ने किया नाकाम। पैंगोंग लेक पर अपनी साइड चीन ने ब्रिज का कार्य कर लिया है पूरा, और पाकिस्तान ने इसराइल के प्रधानमंत्री को कहा आतंकी। तो आज 23 जून को फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए भारत का रेगुलर यूनियन बजट अनाउंस हो चुका है, और इस टोटल बजट में से भारत के डिफेंस सेक्टर के लिए 6,21,940.85 करोड़ रुपीस एलोकेट किए गए, यानी कि लगभग 75 बिलियन US डॉलर्स। और हमेशा की तरह टोटल बजट में से रक्षा मंत्रालय के लिए ही सबसे ज्यादा बजट एलोकेट किया गया है। और जबकि इस साल फरवरी में अनाउंस किए गए इंटरिम बजट में जो डिफेंस बजट था, तो उसकी तुलना में इसमें केवल 400 करोड़ रुपीस तक की वृद्धि देखी गई है, जो कि खास तौर पर डिफेंस सेक्टर में इनोवेशन को बढ़ावा देने के उद्देश्य के साथ एलोकेट किए गए। और जबकि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की तुलना में इस बार का जो डिफेंस बजट है 4.79% तक की बढ़ोतरी हुई है। बाकी इस टोटल डिफेंस बजट में से 27.66% बजट कैपिटल बजट है, 14.82% रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए है, 30.66% पे एंड अलाउंसेस के लिए है, 22.70% डिफेंस पेंशन के लिए और 4.17% रक्षा मंत्रालय के अंडर काम करने वाले सिविल ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और इसमें से लगभग 1,05,518.43 करोड़ रुपीस तक का बजट, तो इसका इस्तेमाल केवल डोमेस्टिक कंपनी से ही डिफेंस आइटम्स को खरीदने के लिए किया जाएगा। इसके अलावा BRO के बजट में 30% तक की बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसका मतलब ये है कि बॉर्डर एरियाज के इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज पर और भी ज़्यादा फोकस किया जाने वाला है। और इस बार के डिफेंस बजट को खास तौर पर आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य के साथ भी तैयार किया गया है। तो जैसे कि पिछले डिफेंस अपडेट में हमने आपको बताया था कि मुंबई नेवल डॉकयार्ड में रिफिट के दौरान इंडियन नेवी की एक शिप पर आग लगने की घटना घटी है, तो अब इसी मामले पर आगे के कुछ और बड़े अपडेट सामने आए। जैसे कि नेवी ऑफिशियल्स की तरफ से बताया गया है कि जिस शिप पर आग लगी थी, तो वो इंडियन नेवी की फ्रिगेट INS ब्रह्मपुत्र है, और इस घटना के दौरान एक सेलर की मिसिंग होने की भी रिपोर्ट है। और लेटेस्ट रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि इस फायरिंग इंसिडेंट में INS ब्रह्मपुत्र को एक साइड से काफी ज्यादा नुकसान भी हुआ है, और जो हमारा एक सेलर मिसिंग है तो उनकी तलाश भी जारी है। और ये जो घटना है ये 21 जुलाई की शाम को घटी थी। हालांकि इसकी आग पर तो काबू पा लिया गया था, लेकिन इस आग की वजह से जो शिप है वो एक साइड से काफ़ी डैमेज हुई है, और उसमें डैमेज कितना ज़्यादा हुआ है तो इस शिप को अपराइट पोजीशन में लाने के बाद ही उसका आंकलन किया जाएगा। और इस इंसिडेंट के चलते इंडियन नेवी चीफ एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी भी आज मुंबई को विजिट करने वाले थे, और जबकि इंडियन नेवी चीफ ने इस इंसिडेंट के बारे में कल भारतीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह को भी ब्रीफ किया था। बाकी इस दुर्घटना को इन्वेस्टिगेट करने के लिए इंडियन नेवी ने इंक्वायरी शुरू कर दी है, और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारा जो एक सेलर मिसिंग है तो उनको भी जल्द से जल्द सुरक्षित ढूंढ लिया जाए। बाकी रक्षा मंत्री ने भी इंडियन नेवी चीफ को इस मामले पर उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए। और आपको बता दें कि जो INS ब्रह्मपुत्र है वो इंडियन नेवी के एक्टिव फ्रंटलाइन वॉरशिप्स में आती है, और इसलिए इस वॉरशिप पर इस तरह का बड़ा एक्सीडेंट होना तो निश्चित रूप से एक चिंता का विषय है। और पिछले 11 वर्षों में मुंबई नेवल डॉकयार्ड में यह इंडियन नेवी का तीसरा प्रमुख नेवल एसेट है जिसको इतना बड़ा नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर से एक दुखद खबर सामने आई है, जहां 300 आवर्स पर जम्मू के बटल सेक्टर में पाकिस्तानी आतंकियों ने एक बार फिर से घुसपैठ करने का प्रयास किया था, लेकिन इंडियन आर्मी के अलर्ट ट्रूप्स ने इस घुसपैठ की कोशिश को सफलतापूर्वक नाकाम कर दिया। लेकिन इस दौरान जो आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई, उस मुठभेड़ में हमारा एक वीर गंभीर रूप से घायल हो गया था, और अभी जैसे में हमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक आई रिपोर्ट्स के मुताबिक इस ऑपरेशन में हमने अपने एक वीर जिनका नाम है लांस नायक सुभाष चंद्र, तो इन्होंने अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे इस वीर की आत्मा को शांति मिले, और ये देश इनके सर्वोच्च बलिदान के लिए सदा इनका ऋणी रहेगा। वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा लोकसभा में पेश किए गए इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 में इस बात को रिवील किया गया है कि फिस्कल ईयर 2023-24 में भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट था, तो उसने अपने ऑल टाइम हाई 2.5 बिलियन US डॉलर्स को अचीव किया है, यानी कि लगभग 20,915 करोड़ रुपए, और 2023 की तुलना में इसमें 25% तक की बढ़ोतरी देखी गई है। और वैसे तो भारत कई अलग अलग कंट्रीज को डिफेंस आइटम्स एक्सपोर्ट करता है, लेकिन इनमें से जो आर्मेनिया है तो वह हाल ही के समय में भारत के डिफेंस प्रोडक्ट्स को यूज़ करने के मामले में एक महत्वपूर्ण डेस्टिनेशन के तौर पर उभर के सामने आई है। और जबकि ये भी बताया गया कि आर्मेनिया के लिए पिनाका रॉकेट्स के अलावा अब आकाश एयर डिफेंस मिसाइल्स को एक्सपोर्ट करने के लिए भी डील साइन हुई है। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा इस बात की अनाउंसमेंट की गई है कि भारत सरकार स्मॉल और मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर्स को डेवलप करने के लिए प्राइवेट सेक्टर के साथ पार्टनरशिप करेगी, और ये इनिशिएटिव न्यूक्लियर एनर्जी के एफिशिएंट और सेफ प्रोडक्शन के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर को सुनिश्चित करेगा, और भारत के स्मॉल मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर्स को विकसित करने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट के क्षेत्र में खास तौर पर फोकस किया जाने वाला है, और ये जो योजना है भारत के जरूरी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेगी।
लेटेस्ट सैटेलाइट इमेजेस के मुताबिक चीन ने पूर्व लद्दाख में अपने साइट पैंगोंग शो पर रणनीतिक रूप से बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण ब्रिज का निर्माण कार्य अब पूरा कर लिया है और ये ब्रिज पैंगोंग लेक के उत्तर और दक्षिण के किनारों को आपस में जोड़ता है और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बात के संकेत हैं कि अब जो ये ब्रिज है ये जल्द ही चाइनीज मिलिट्री के इस्तेमाल के लिए भी उपलब्ध हो जाएगा और इस ब्रिज को इस तरह से बनाया गया ताकि इसके ऊपर से बैटल टैंक जैसे हैवी मिलिट्री इक्विपमेंट को भी ले जाया जा सके। वैसे आपको स्पष्ट कर दें कि चीन की मिलिट्री एक्टिविटीज़ को काउंटर करने के लिए भारत ने भी अपने साइड महत्वपूर्ण मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स को बढ़ावा दिया है और इसी के तहत भारत की कई सारी बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर वाली परियोजनाएं ऑलरेडी पूरी हो चुकी हैं और कई ऐसी परियोजनाएं हैं जिन पर ऑलरेडी काम चल रहा है। भारत के टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और यूरोपियन फॉर्म एयरबस हेलीकॉप्टर्स ने भारत में H125 हेलीकॉप्टर्स की फाइनल असेंबली लाइन को स्थापित करने के लिए औपचारिक रूप से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है और इस बात की जानकारी टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल से एक पोस्ट के जरिए भी दी है। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान जो कि खास तौर पर खुद आतंकवाद को स्पॉन्सर करने उन्हें अपने वहाँ पनाह देने तो उसके लिए खास तौर पर जाना जाता है तो अभी हाल ही में इनके प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के पॉलिटिकल और पब्लिक अफेयर्स में एडवाइजर राणा सनाउल्लाह का कहना है कि वे इसराइल के प्रधानमंत्री को एक आतंकी की तरह कंसिडर करते हैं और इसके साथ उन्होंने डिमांड रखी है कि फिलिस्तीन के खिलाफ वॉर क्राइम के लिए इसराइल के प्रधानमंत्री को न्याय के कटघरे में खड़ा करना चाहिए। और एक इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि पाकिस्तान और इसराइल के बीच ऐसा कोई ट्रेड टाइज है भी नहीं लेकिन इसके बावजूद भी ये इतने बड़े वाले हैं कि इसराइल के विरोध में इसराइली प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट करने की बात कर रहे हैं। यानी कि कहने का मतलब ये कि जो चीज़ें इम्पोर्ट भी नहीं करते तो उस चीज़ का ये बॉयकॉट करने की बात कर रहे हैं वो भी अपने देश में। और उनका यह भी कहना है कि केवल इसराइल के प्रोडक्ट्स ही नहीं बल्कि वो उन वेस्टर्न ब्रांड्स को भी बॉयकॉट करेंगे जो कि इसराइल को सपोर्ट करते हैं। और सबसे बड़ी विडंबना तो यह है कि ये बातें वो देश कर रहा है जिसकी स्टेट पॉलिसी ही आतंकवाद को प्रमोट करना है। पर खैर पाकिस्तान की तरफ से इस तरह का मनोरंजन चलता रहेगा। हम बढ़ते हैं आज के इतिहास की तरफ। आज के दिन 1999 में ऑपरेशन विजय के दौरान अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए सिपाही के आशुली वीरगति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। आज के दिन 1988 में ऑपरेशन पवन के दौरान अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए लांस नायक मोहिंदर सिंह वीरगति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। बाकी आपके लिए आज का प्रश्न ये है कि INS ब्रह्मपुत्र को इंडियन नेवी की सर्विस में कौन से वर्ष में कमीशन किया गया था। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है और अगर आपने अभी तक डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो आज ही डाउनलोड करें और एक्सप्लोर करें डिफेंस की दुनिया को एक अलग तरह से। बाकी जल्द ही मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।